हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहाज व्लॉग। तो आज है संडे मॉर्निंग और हमारी सुबह देर से शुरू हुई है। बस अब हम चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद क्लीनिंग और नहाना वगैरह सब निपटा के फिर आपसे मिलूंगी मैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भरवा बैंगन और टमाटर का सार, सूप ही कह सकते हैं उसे। सूप से थोड़ा सा अलग है ये। तो चलिए फिर चाय पीते हैं। पहले चाय पीने के बाद फिर मैं नहाने के बाद और किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। थोड़ा लेट ही हो गया है आज। तो यहाँ पे मैंने भरवा बैंगन की और टमाटर के लिए सब्जियाँ टमाटर के सार के लिए सब्जियाँ बाहर निकाल के रखी है, जिनको सबको मैं अच्छे से पील करके वॉश कर लूँगी। और बैंगन में भी कट लगा लिए हैं मैंने, चार या दो, जैसे भी कट लगाना चाहे आप लगाए। ये देखिए मैंने जो बैंगन लिए हैं वो ऐसे वाले बैंगन हैं, ग्रीन, जिसमें हल्के से काटे काटे से होते हैं। ये वाले बैंगन नॉर्मली जो बैंगन मिलते हैं उनसे टेस्ट में ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ये वाले बैंगन ज़्यादा पसंद है। बस इस तरह से मैं इनको कट लगा लूँगी और अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर इनको हम चॉप भी करेंगे। और सारी सब्जियाँ पहले वॉश कर लूँगी, टमाटर भी वॉश करके इसको सबसे पहले हम कुकर में बॉईल करने के लिए लगा देंगे। सारी सब्जियाँ वॉश कर ली मैंने। अब ये कुकर ले लिया है और इसमें मैं टमाटर को बड़े बड़े चंक्स में कट करके इसमें डाल दूंगी। साथ में यहाँ पे अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने और लहसुन लिया है थोड़ा सा, एक हाथ कली, और यहाँ लौंग और काली मिर्ची भी डाली है, तेज पत्ता भी डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है। और बस एक सीटी ले लेंगे इसकी। टमाटर जल्दी गल जाते हैं इसलिए टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन को कूट लिया है। प्याज चॉप कर लिया, हरी मिर्ची भी चॉप की है और धनिया भी चॉप कर लिया है। यही चीज़ हम भरवा बैंगन में यूज़ करेंगे। और इसमें अब मैं सूखे मसाले मिला रही हूँ, 4 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची पाउडर, हल्दी 1 चम्मच, 1.5 चम्मच और गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही डालें नॉर्मल से। थोड़ा सा हींग, नमक और थोड़ी सी शक्कर मिठास के लिए, जिससे कि टेस्ट बढ़ के आता है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को हम बैंगन में भर लेंगे। अच्छे से दबा दबा के भरना है मसाले को। ये मैंने सारे बैंगन भर लिए और बचा हुआ मसाला भी हम सब्जी में यूज़ करने वाले हैं। इसको अलग से बाउल में निकाल के रखा है। अब मैं साथ ही साथ थोड़ी सी क्लीनिंग भी करते जाऊंगी, जिससे कि ज़्यादा बाद में काम बढ़ के नहीं रहता है। हाथों हाथ अगर हम सब अवेरते जाएं तो फटाफट काम होते हैं। अब यहाँ पर मैंने मसाला भर के इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया, 10-15 मिनट के लिए। इस बीच में मैंने जो टमाटर हो गए थे उनको मिक्सी में से निकाल लिया, ग्राइंड कर लिया है अच्छे से और छान भी लिया है मैंने उसको, जो मैंने नहीं दिखाया है, छान लिया, जिससे कि वो उसके जितना भी मोटा मोटा जो भी होगा टमाटर में वो निकल जाएगा। और यहाँ पर तब तक हमारे बैंगन अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे मैं बघार नहीं डाल रही हूँ, मैं इन बैंगन पे ही ऑयल डाल रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कढ़ाई में ही रखे थे बैंगन और उसी में ऊपर से ऑयल डाल दिया है। अब हम गैस ऑन करके इसे पकने देंगे। गैस हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। दूसरे चूल्हे पे मैंने वो रख दिया है। अब यहाँ पे फिर से हमारी नहाने के बाद वाली दूसरी चाय बन रही है और साथ ही साथ बैंगन भी बन रहे हैं। ये देखिए अब एक बार इसको बीच में हम थोड़ी देर बाद चला देंगे। हमारी चाय हो जाएगी, तब तक ये सब्जी भी बन के रेडी हो जाएगी।
ये देखिए ये सब्जी लगभग तैयार है। अभी हमने वो जो मसाला अलग निकाल के रखा था वो नहीं डाला था, क्योंकि अगर वो पहले डाल देते तो वो मसाला जलता और बैंगन पूरी तरह से होते नहीं, इसलिए पहले हमने बैंगन को अच्छे से होने दिया, उसके बाद में हमने मसाला ऐड किया, पकने दिया उसके बाद हमने ये मसाला ऐड किया। अब मसाले को भी थोड़ी देर पकने देंगे। तब तक ये चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद हमने आके ये चेक किया है, ये सब एकदम ही सिम पे ही मसाले हम पूरे फ्राई कर रहे हैं। गैस को बिल्कुल भी बड़ा नहीं रखना है, कम आंच पे ही सब्जी बनेगी। ये सब्जी बन के तैयार है, और जो मैंने टमाटर को मिक्सर में से ग्राइंड करके छान के रखा था उसको अब मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम टमाटर का सार बना लेंगे। इसमें ये जो गुड़, देखिए मैंने इतना गुड़ इसमें लिया अंदाज से, आपको जैसा मीठा पसंद हो वैसा, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा मीठा ऐसा चटपटा सा अच्छा लगता है, इसीलिए इसमें गुड़ डाला है। आप शक्कर भी डाल सकते हैं इसमें। नमक ऐड कर रही हूँ यहाँ पे स्वाद के अनुसार। अब ये मैंने सूखे मसाले लिए हैं, बाकी ये सारे मसाले इसमें नहीं जाएंगे, इसमें सिर्फ जीरा ही हम जीरे का फ्राई लगाएंगे, घी और जीरे का। और उसके पहले ये जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम एक छोटी सी कढ़ाई में घी लेके उसमें एक हाथ चम्मच बेसन उसको अच्छे से भून लेंगे और उसको हम इसमें मिलाएंगे। ये मैंने छोटी कढ़ाई रख ली है, इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, उसमें एक चम्मच बेसन अच्छे से भून लूँगी और उसको मैं टमाटर में मिला दूँगी। बेसन भून लिया है मैंने, अब इसको मैं इसमें मिला दूंगी। बस अब हम इसको उबलने के लिए रखेंगे और इसमें हींग और जीरे का बघार लगाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है ये, और इन दिनों में टमाटर का सूप पिया जाता है और ये सूप से थोड़ा हटके है, बड़ा टेस्टी लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये लंच होने के बाद में आज हम जाने वाले हैं घूमने के लिए, घूमने इन द सेंस हम जाएंगे मंदिर, उज्जैन का फेमस चिंतामण गणेश मंदिर जाएंगे हम, और वहाँ से जाने वाले हैं शनि मंदिर। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में और ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, और लाइक करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ बघार ऐड कर दिया है और अब हमारा टमाटर का सार बनके तैयार है, बिल्कुल रेडी टू ईट। अब गर्मा गर्म रोटी निकाल लूँगी मैं, बस उसके बाद हम लंच करेंगे और फिर घूमने जाएंगे। अब ये यहाँ मक्खन भी ऐड कर रही हूँ, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था मक्खन,
घर का मक्खन, बाजार का मक्खन, जो अवेलेबल हो आप कोई भी मक्खन इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास घर का था तो मैंने घर का मक्खन ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और हरा धनिया, रेड और उसके ग्रीन कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतना ही बढ़िया बना था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे एक बार। ये रोटियां बनी कि हमारा लंच तैयार। आपको भी अगर मंदिर में हमारे साथ दर्शन करने हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। चिंतामण गणेश में तो मैं आपको शिखर दर्शन ही करवा पाऊंगी, लेकिन कोशिश रहेगी कि शनि मंदिर में आपको भगवान के दर्शन करा सकूं। ये देखिए बैंगन, और ये है हमारी थाली। सिंपल सी थाली है हमारी आज ये, लेकिन बहुत टेस्टी। और तैयार होके फिर अब हम आ गए हैं यहाँ चिंतामण गणेश। उज्जैन का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये देखिए गर्वित और उसके पापा। और ये है चिंतामण गणेश का शिखर दर्शन। बहुत भीड़ थी आज यहाँ पे, जो कि अगले ही दिन मंडे को चतुर्थी होने की वजह से, शायद यहाँ पे उसी वजह से सजावट की हुई थी इतनी। बहुत ही सुंदर तरह से सजाया गया था मंदिर को, और भीड़ भी बहुत थी। संडे था इस वजह से बहुत लंबी लाइन थी। बहुत सुंदर सजाया गया मंदिर को। बहुत भीड़ थी अंदर, वैसे भी वीडियो लेना अलाउ नहीं है। मंदिर परिसर के फोटो हमारे, और ये शिखर दर्शन। और ये वहीं परिसर में ही बावड़ी है, लक्ष्मण बावड़ी कहा जाता है इसको। और इसके लिए ऐसी कहानी है कि यहाँ पर जब वनवास के दौरान राम लक्ष्मण, राम जी यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर सीता जी को प्यास लगी थी, तो लक्ष्मण जी ने यहाँ बाण चलाया था और यहाँ से ज़मीन से पानी निकाला था। वहीं पर ये बावड़ी बनी हुई है, ऐसी मान्यता है, कहानी है इसके पीछे, इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण बावड़ी है। वहाँ से दर्शन करके फिर अब हम जा रहे हैं शनि मंदिर के लिए। और हम लोग गांव से होके निकले थे, उधर पीछे नया रास्ता बना था वहाँ से, तो वहाँ हमको एक ये तालाब मिला। और के कहा जाता है कि 12 साल से उस तालाब में पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ, और उसी गांव में से निकलते हुए इतना सुंदर हमको ये नज़ारा देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया। दोनों तरफ ग्रीनरी के हब लगे हुए हैं यहाँ दोनों तरफ, बहुत मस्त लग रहा है। देखिए कितना सुंदर है। अब हम आ गए हैं शनि मंदिर। बस यहाँ दर्शन करने के बाद हम फिर अपने घर जाएंगे और
बस यहाँ से ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में। बाय बाय।